Praise the Lord and good evening to all who are listening and attending this Bible study. और आप सबको जय मसीह की और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज की शाम जो इस बाइबल अध्ययन के भाग बने हैं. This is Life Spring Assembly. It's a Bible study on Wednesdays. और ये Life Spring Assembly की कलीसिया है और ये बाइबल अध्ययन का शाम का समय है. Those of you who have been listening very regularly, if you have been blessed, I encourage you to encourage your friends also to join. और आप में से जो निरंतर इस बाइबल अध्ययन का भाग बने हैं और आप आशीषित हुए हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने मित्रों से भी अपने जान पहचान के लोगों के संग भी इस विषय में बांटिए ताकि वो भी इस बाइबल अध्ययन से जुड़े और आशीष पाएं. We are studying 1 Corinthians. और हम पहला कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ रहे हैं. And we are in chapter 12. और हम उसके 12वें अध्याय के अध्ययन पर हैं. Chapter 12 teaches about the spiritual gifts and their operations. और 12वां अध्याय सिखाता और बताता है पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में उस और वो कैसे चलन करते हैं इस विषय में. And so this is very specially beneficial to all of us to learn this chapter because there is so much of misuse and misinterpretation concerning the gifts of the Holy Spirit. और ये अध्याय इस विषय में ये अध्ययन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात आज के दिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन वरदानों के विषय में कई सारे गलत अनुवाद और कैसे इनके गलत उपयोग किया जाता है. So there is a danger of being carried away to false worship if we are not careful. और इसलिए एक खतरा ये भी बना रहता है कि हम झूठी आराधना में लग जाएंगे अगर हम ध्यान ना रखें. You must understand that in the early church there were Jewish Christians as well as Gentiles. और आपको और मुझे इस बात को समझना है कि पहली सदी की कलीसिया में यहूदी मसीह मौजूद थे और साथ ही साथ गैर यहूदी मसीह भी थे. And these Gentiles were those who came out of heathen religion. और ये गैर यहूदी विश्वासी या मसीही लोग ऐसे मसीही लोग थे जो मूर्ति पूजा या अन्य देवी देवताओं की आराधना को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होते. So in the first century, और इसलिए पहली सदी की कलीसिया most of the Christians, especially in the church at Corinth, were such people. और कुरिन्थ की कलीसिया में कई ज्यादातर लोग ऐसे ही गैर यहूदी मसीह थे. And Paul makes three important observation in this regard. और पौलुस तीन महत्वपूर्ण बातों को इस विषय में कहता है. Number one, पहली बात, Paul says they had been pagans, now they were Christians. कि वो तो गैर विश्वासी थे लेकिन अब ये मसीही हैं. Christians are followers of Christ, the Messiah himself. और ये मसीही लोग ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु के अनुयायी हैं, जो मसीहा है. And the second important observation is. और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है. They had been worshippers of idols. वो मूर्तियों की पूजा करने वाले थे. Now what is an idol or an image? और एक मूर्ति क्या है? And idols are dumb, unable to communicate or relate. और एक मूर्ति एक ऐसी वस्तु है जो ना आपसे बातचीत कर सकती है ना आपके संग कोई रिश्ता बना सकती है. From such these people came out. और ऐसे जगह ऐसी पृष्ठभूमि से ये लोग निकल करके आए. Now they were worshippers of one true God. और अब वे एक सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं. And able, a God who is able and could communicate and share with them. और वो एक ऐसे परमेश्वर के आराधक बन गए जो कि योग्य है कि उनसे बात करे और उनके संग एक लगातार निरंतर के रिश्ते में चले. So that is the second point. और ये दूसरी महत्वपूर्ण बात. And the third. और तीसरी महत्वपूर्ण बात. They had been influenced and forced by some energy. और उन्हें किसी शक्ति द्वारा या किसी सामर्थ्य द्वारा प्रभावित किया गया. और स्पिरिचुअल पावर टू सर्व द डम्ब आइडल्स या आत्मिक शक्ति के द्वारा ताकि वो इन मूर्तियों को पूजा करें. सो दैट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन. और ये तीसरी बात है. आई मीन दैट हैपेंस बिकॉज़ इवन
through a Christian community can be easily influenced by the other forces. क्योंकि ये ऐसा होता है कि यहाँ तक कि ईसाई समाज भी कई दूसरी शक्तियों से प्रभावित हो सकता है. So we need to be careful who is influencing us. और इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कौन हमें प्रभावित करता है. Now Apostle Paul says they were under the power and influence of the Holy Spirit. और पौलुस प्रेरित कहता है कि वो पवित्र आत्मा के शक्ति और प्रभाव में थे. And therefore they should be led by the Holy Spirit. और इसलिए उनका मार्गदर्शन और नियंत्रण पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना था. And remember that is one of the works that the Holy Spirit does for God's people. और याद रखिए एक ऐसा कार्य है जो पवित्र आत्मा अपने परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए करता है. One point we should accept is this. और एक ऐसा बात है जिसे हमें ग्रहण करना है या मानना है. It is the fact that the religions of the Paul's day widely practiced special gifts. कि पौलुस के दिनों में जितने भी धर्म मौजूद थे वो बढ़ चढ़ के तोहफों का या वरदानों का आत्मिक वरदानों का अभ्यास करते थे. But one must be careful. लेकिन एक को सावधानी भी बरतनी है. That these are gifts that seemed to come from some spiritual forces. कि ये ऐसे तोहफे या वरदान थे जो किसी आत्मिक शक्ति से मिलते थे. Now gifts such as what? और कैसे तोहफे या कैसे वरदान? Trances. और सपना देखना शारीरिक रूप से एक जगह और आत्मिक रूप से दूसरी जगह. And tongues. और अन्य भाषा में बात करना. And ecstatic utterances. और ऐसी बातचीत बोलना जो इंसान के मनुष्य की समझ के परे. And prophecies. और भविष्यवाणियां. Prophecies of the future. और भविष्य की भविष्यवाणियां. And such gifts were running rampant in the Corinthian church. और ऐसे वरदान कुरिन्थ की कलीसिया में बढ़-चढ़ कर हो रहे थे. And many of the believers in Corinth were familiar with the counterfeit gifts as well. और कई सारे विश्वासी कुरिन्थ की कलीसिया में इनके विरुद्ध जो तोहफे या वरदान का वो प्रयोग करने को भी जानकार थे. And some of them were already practicing such gifts before their conversion to Christ. और उनमें से कई इन वरदानों का अभ्यास कर रहे थे अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आने से पहले से. So a person's background and also the influence that he may have had in his previous life. और इसलिए एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि और प्रभाव जो उसके पुराने जीवन में था will definitely contribute to the false worship or extreme practices if we are not careful. तो वो बातें इस व्यक्ति को झूठी आराधना या एक दूसरी ही स्थान पर या स्तर पर आराधना के ले जा सकती है अगर वो ध्यानपूर्वक ना बने. In Corinth, therefore. और इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया में. Some of the believers had used a counterfeit gift before their conversion. कुछ विश्वासियों ने अपने इन्हीं वरदानों का प्रयोग किया था. And some of the believers must have been after their conversion must have been practicing the same old thing. और कई सारे विश्वासी अपने मन परिवर्तन के बाद भी उन्हीं पुराने तोहफे और वरदानों को जिस रीति से वो पुराने जीवन में करते थे उनको करते आ रहे थे. Some people may not have been a genuine experience of the Holy Spirit. और कई लोग जो है पवित्र आत्मा के सच्चे अनुभव को नहीं किए थे. But by practicing the old ways. लेकिन अपने पुराने तरीकों या तौर तरीकों का अभ्यास करते हुए. They are trying to imitate the real gift. वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि सच्चे वरदान की नकल करने पाए. And I myself have seen some cases where these kind of things used to happen. और मैंने खुद अपनी आँखों से ऐसे कुछ जगहों पर देखा है जब ऐसा हुआ है. And unless we are led by the Holy Spirit, जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते, we can easily be trapped into this net. तब हम बड़ी आसानी से इस जाल में फंस सकते हैं. And by practicing this way, they had misused the gift and ended up not worshipping of God,
but worshiping in a meaningless way. और इस तरीके से अभ्यास करने के द्वारा वो परमेश्वर की आराधना करने की बजाय अर्थहीन आराधना को करते रहे. So one has to be very careful. और इसलिए एक को बड़ा सावधान बने रहना है. The Holy Spirit is a spirit of order. और याद रखिए पवित्र आत्मा एक जगह एक आत्मा है चीजों को एक स्थान पर रखने वाला. You know, sometimes I heard people say when they are filled with the Holy Spirit and when they are so much in the Spirit, you know, you forget yourself and then you don't know what you are doing. और कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब आप पवित्र आत्मा में होते हैं तब आप भूल जाते हैं आप कौन हैं और आपको ये भी नहीं पता आप क्या क्या करते हैं. Then there is a problem. तब वहाँ पर एक समस्या है. The Holy Spirit coming into you does not mean that you forget the place and you forget everything else. पवित्र आत्मा का आपके भीतर आना और वास करने का मतलब ये नहीं है कि अब स्थान और समय को भूल जाएं. I think in our studies we will deal with all such. और हमारे इस अध्ययन में हम इस विषय पर भी बात करेंगे. But let me make one thing very sure. लेकिन एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ. That once you are converted to Christ. कि एक बार जब आप प्रभु यीशु मसीह में मन परिवर्तन कर लेते हैं. It is absolutely necessary for you to not only forget the past but also absolutely disconnect yourself completely. And you should have nothing. तब आपके लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने भूतकाल से दूरी बना करके रखे और ना ही दूरी पर खुद को अलग कर ले. And so that is the instruction here. और ये इसी निर्देश को पौलुस यहाँ देता है. And the result was. और इसका परिणाम स्वरूप they had begun to feel and act super spiritual. तब उसका परिणाम स्वरूप कुरिन्थ के विश्ववासियों को ऐसा लगने लगा और वो ऐसे अनुसार चलने लगे कि वो अति आत्मिक हैं. Worshipping the gift and self rather than focusing on God. और इसलिए वो वरदानों की आराधना करने लगे खुद की आराधना करने लगे इसकी बजाय कि वो सारी आराधना और प्रशंसा परमेश्वर को दे. And when you focus on God, और जब आप परमेश्वर पर ध्यान एकाग्रित करते हैं you will set your mind upon God. तब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं. We don't draw any attention to ourselves. तब हम किसी भी प्रकार के ध्यान को अपनी ओर नहीं खींचना चाहते. And that is one of the way you can distinguish between a false spirit and a right spirit. तब ये एक ऐसी बात है जिसके द्वारा आप एक झूठी आत्मा और एक सच्ची आत्मा के बीच अंतर पहचान सकते हैं. A false spirit always tries to draw attention to oneself. और एक झूठी आत्मा हमेशा अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचना चाहती है. So the person and the work he does become the central point and focus rather than Christ himself. तो इसलिए एक व्यक्ति विशेष और जो काम वो करता है वो लोगों का ध्यान का केंद्र बन जाता है या केंद्र बना लेता है इसकी बजाय कि प्रभु यीशु मसीह हर एक बार का केंद्र है. And that is how you can worship your gift and you can worship your work. और इसी के द्वारा आप अपने वरदान या अपने कार्यों का आराधना कर सकते हैं. And how often we see this happening. और कई बार हम इसे ऐसा ही होता हुआ देखते हैं. Spiritual gifts and counterfeited and misused. कि आत्मिक वरदानों का नकल करने की लोग कोशिश करते हैं या गलत रीति से उनका प्रयोग करते हैं. How often we see people preaching or prophesying and to us it is evident that they are counterfeiting. और कई बार हम लोगों को भविष्यवाणी और प्रचार करते हुए सुनते और देखते हैं लेकिन हमें पता चल जाता है कि हाँ ये नकल कर रहे हैं या ये सच्ची बातों को नकल करने की कोशिश या उनको बना करके बोलने की कोशिश करते हैं. Because the way it is all happening and done makes it very obvious that is not the real genuine spirit. क्योंकि जिस तरीके से ये बातें होती है वो इस बात को दिखाती और दर्शाती है कि ये बातें सत्य नहीं है. And when somebody is counterfeiting the gift and imitating it. और जब you can easily make out. तब एक व्यक्ति जब एक तोहफे या वरदान की नकल करने की कोशिश करता है तब आप उसे बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं. So such people are just counterfeiting the gift
and definitely they are not called of God. तब ऐसे लोग सच में वरदानों की नकल करने की कोशिश करते हैं और वो परमेश्वर से बुलाए गए नहीं हैं. Some pastors try to do it. और कई पासवान ऐसा करने की कोशिश करते हैं. They watch the TV evangelists. वो जो टीवी पर जो सुसमाचार प्रचारक आते हैं उन्हें देखते हैं. And then they come to their own pulpit. और तब वो अपनी वेदियां बनाते हैं और उस पर आते हैं. And try to imitate and create an electric atmosphere. तब वो वेदी पर आकर अपनी वेदियों पर आकर एक बड़ा जोरदार रोमांचक वातावरण बनाना चाहते हैं. There are some charismatic and prosperity preachers. Regularly people watch on TVs and try to imitate their style. और कई ऐसे सारे आत्मा जो खुद को आत्मा से भरे हुए प्रचारक हैं जो समृद्धि के सुसमाचार का प्रचार करते हैं उनकी नकल करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं. And so when they try to imitate, और जब वो नकल करने की कोशिश करते हैं, they end up in doing hyper actions on the stage. तब वो कई सारी ऐसी बातों को और कार्यों को वेदी पर करते हैं जो दिखता है कि उनकी चरम सीमा से भी परे है. And for this reason, और इस कारणवश, it is better that we as pastors and preachers do not watch the TV evangelist. कि हम पासवान और अगवे होते हुए उन टीवी पर आने वाले सुसमाचार प्रचारकों को ना देखें. You will be a hypocrite. तब आप एक पाखंडी होंगे. For this reason. और इस कारणवश. Let us avoid watching, you know, preachers who have all kinds of funny actions and activities from the stage. हम ऐसे प्रचारकों को ऐसे अगुओं को देखना बंद कर दें जो वेदी पर आकर हर प्रकार के कामों को करते हैं लोगों को हंसाने के लिए रोमांचित करने के लिए हर प्रकार की शिक्षाओं को बोलते हैं. Sometimes, और कई बार I like to sit and watch a Baptist preacher teaching the Bible. कई बार मैं एक बैप्टिस्ट प्रचारक है उनके प्रचार को उनको बैठकर देखना चाहता हूँ या देखता हूँ जो बाइबल का अध्ययन कराते हैं. Teaching solid word. कि वो परमेश्वर के मजबूत और सच्चे वचन को शिक्षा देते हैं. Instead of jumping up and down, walking up and down and showing all kind of hyper super act. इसकी बजाय कि मैं ऐसे लोगों को देखूं जो वेदी पर आकर उछलते कूदते चलते दौड़ते हैं और हर प्रकार के कामों को करते हैं कि किसी रीति से लोगों के बीच एक रोमांच को पैदा करें. और लिसन टू अ टीचर. या एक शिक्षक को सुनता हूं. टीचिंग सॉलिड वर्ड. और एक ऐसे शिक्षक को जो परमेश्वर के वचन को सच्ची रीति से सिखाता है. हाउ ऑफन वी सी सम काउंटरफीटिंग some gifts. और कई बार हम देखते हैं कि लोग वरदानों की नकल करने की कोशिश करते हैं. And when this counterfeiting is done, और जब ये नकल की जाती है, you are led to worshiping falsehood. तब आप आगे बढ़ते हैं कि आप झूठी आराधना करें. Instead of worship of God, और इसकी बजाय कि आप परमेश्वर का आराधना करें, people begin to focus on that person. लोग उस व्यक्ति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं. And we are such worshippers that we focus more on the person rather than the content of the preacher. और हम लोग भी ऐसे आराधक बन गए हैं कि हम व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि उसके शिक्षा और संदेश का जो मूल है या जो उसका केंद्र है उस पर. Because your own pastor may be teaching the same thing. और हो सकता है आपके पास खुद के पासवान आपको वही शिक्षा दे रहे हैं. More solidly. और बहुत ही सही रीति से. But then you don't remember. लेकिन आप उस शिक्षा को याद नहीं रखते. When someone else comes from outside, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा प्रचारक बाहर से आता है. These actions are all hyper super. और उनके काम वो वेदी पर आकर हर प्रकार के कार्यों को करते हैं. And when what he is saying is the same thing that your own pastor has been
और वही वो भी वही बात बता रहे हैं जो आपके खुद के बाजवान आपको सिखाते चले आ रहे हैं। But someone from outside comes like this, लेकिन कोई बाहर से आता है प्रचारक like he ऐसे, says the same thing, वो भी उसी बात को बोलता and then suddenly, oh, what a wonderful thing. तब अचानक से आप कहते हैं अरे कितना अद्भुत संदेश था। How about your own pastor? लेकिन अपने खुद के पासवानों के विषय में। He also told you the same thing. हमने भी तो आपको वही बात बताया। Did you go and tell him, pastor, it was blessed? क्या आपने जाकर अपने पासवान से कहा कि पासवान सच में आपका संदेश आशीष का कारण बना? You know, we also have become sort of people who look on the external rather than what is internal. हम लोग भी ऐसे व्यक्तियों के समान बन गए हैं जो बाहरी रूप से देखते हैं ना कि अंदरूनी रूप से दिल को या मन को देखने वाले लोग हैं। After the service on a Sunday morning. और एक रविवार की सभा के बाद। Or after a Bible study lesson. या एक बाइबल अध्ययन के सत्र के समाप्त होने when के बाद। When you leave the place. जब आप उस स्थान को छोड़ करके you जाते must हैं। Leave having met Jesus. तब आप ऐसे निकल करके जाएं कि आपने प्रभु यीशु मसीह से भेंट किया। What a wonderful Savior we have. कितना अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे पास है। What a wonderful Jesus. और कितना अद्भुत यीशु मसीह। And so let this be our experience. और होने दे ये हमारा अनुभव होने पाए। Let us see Jesus. हम यीशु को देखने पाए। In all the preaching. हर एक प्रचार में। Jesus. यीशु। In all the teaching. और हर एक शिक्षा में। No matter who says. और ये मायने नहीं रखता कौन कहता है। Who is the teacher or who is the preacher? और कौन शिक्षक है या कौन प्रचारक है? As long as the preacher's focus is on Jesus Christ Himself. जब तक प्रचारक का केंद्र और उसका पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर है। As long as the teacher's purpose is to exalt to the name of Jesus. और जब तक शिक्षक का उद्देश्य ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए। Such a person is sent by God. ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। Let us learn to distinguish. आइए हम अंतर पहचानना और करना सीखें। And so I close this here. और मैं इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। And may the Lord grant you His grace. और होने दे परमेश्वर अपना अनुग्रह आप सभी को दे। You know, we need the Holy Spirit for every spiritual activity. हर एक आत्मिक गतिविधि या कार्य को करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। For acceptable prayers, we need the Holy, the word of God. और अगर हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण की जानी है तो हमें पवित्र आत्मा का वचन चाहिए, ये जीवित वचन चाहिए। And for a meaningful worship, we need the word of God. और एक अर्थपूर्ण आराधना के लिए हमें परमेश्वर के वचन को चाहिए। So the Holy Spirit and the word of God are very vital. और इसलिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। Without them, we will not be able to offer acceptable worship. और इन दोनों के बिना हम ग्रहण योग्य आराधना परमेश्वर को प्रस्तुत नहीं करने पाएंगे। We cannot be established in our faith unless we have both of these. और इन दोनों बातें अगर हमारे जीवन में ना हो तब हम अपने विश्वास में स्थापित या स्थाई नहीं किए जाएंगे। And in order to project Jesus as he should be projected. और इस तरीके से जैसे यीशु को हमें दिखाना है अगर हम वैसे ही दिखाना चाहते हैं। We need both the Holy Spirit and the Word. तब हमें उसका पवित्र आत्मा और वचन दोनों की आवश्यकता है। So may we focus on the Holy Spirit and on the Word in order to understand Jesus. और होने दे हम पवित्र आत्मा और उसके वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें ताकि हम यीशु को समझने और जानने पाएं। And let us be careful that we will not misuse any gifts and we will not be influenced by any other kind of spirit to guide our life. और होने दे हम इस बात को लेकर बड़ी सावधानी बरते कि हम किसी अपने आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग नहीं करेंगे और ना ही किसी दूसरी आत्मा या शक्ति से प्रभावित होकर हम उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे। God wants us to be built on the knowledge of God's word. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बनाएं उसके वचन के ज्ञान में।
The Holy Spirit will not deceive us. और पवित्र आत्मा हमें कभी धोखा नहीं देगा. The Word of God will not mislead us. और परमेश्वर का वचन हमें कभी गलत राह पे नहीं ले जाएगा. So let us focus on God's Word and let us follow the guidance of the Holy Spirit. और इसलिए हम परमेश्वर के इस पवित्र वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें और इसके मार्गदर्शन अनुसार चलें. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा. We need you. हमें आपका आवश्यकता है. That we may understand God's word. ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझने पाएं. So Lord, we pray that you grant to us your power in order to remain true to your word and be faithful to your cause. और इसलिए पिता हमें सामर्थ्य शक्ति दे ताकि हम तेरे वचन और तेरे संदेश के प्रति सत्य बने रहें. We give you all the honor and glory. हम सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And I want to give you few references. और मैं कुछ वचनों को आपको देना चाहता हूँ. Please write it down. कृपया कर इन्हें लिख ले. And read before you sleep. और इससे पहले कि आज की रात्रि आप सोए इन्हें जरूर पढ़ ले. John's Gospel chapter 4 verse 24. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 24वां वचन. Revelation chapter 14 verse 7. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 7वां वचन. Psalm number 96 verse 9. और भजन संहिता उसका 96 और उसका 9वां वचन. Again Psalm number 99 verse 5. और उसके बाद भजन संहिता 99 उसका 5. Read these verses. इन वचनों को पढ़ें. And by the way, if you have any questions concerning these lessons, please put it in writing and let me have it. और अगर आपको इस अध्ययन को लेकर कोई प्रश्न है जो आपके दिल में है, या बाइबल या इन अध्ययन से ऐसा कोई सवाल है जो आपको पूछना है, तो कृपया कर आप ऑनलाइन जो कमेंट है उसमें जरूर लिख दे और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल का उत्तर देने पाए. और सेंड मी दिस क्वेश्चंस विथ योर टेलीफोन नंबर विथ योर व्हाट्सएप नंबर टू मी. और यदि वे लोग जो हमारे कलीसिया के सदस्य आपके पास कोई सवाल है, आप अपने मोबाइल नंबर के साथ व्हाट्सएप पर उस प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं. नो, इवन इफ यू आर नॉट आवर मेंबर, यू आर आउट स्टेशन लिसनिंग एनीवेयर, यू मे हैव अ क्वेश्चन. डू दिस. और भले ही आप हमारे सदस्य ना हो, लेकिन आपका टेलीफोन नंबर के संग आप अपने उस प्रश्न को पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उस सवाल का उत्तर देने के लिए. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आमेन. आमेन.